जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं योगेश मिश्रा आप सभी के एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में बड़ी खुशखबरी के साथ साथ एक बड़ा ब्लंडर जो आपके मन में उसको भी दूर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा, नहीं तो कहीं आप भी दलालों के चक्कर में न फंस जाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल के आ रही है TGT अभ्यर्थियों के लिए, जिनका पैनल जारी हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक TGT के चयनित शिक्षकों को एक माह के भीतर आवंटित विद्यालयों में कार्यभार संभालना होगा, अन्यथा की स्थिति में उनके विद्यालयों का जो आवंटन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपके पास 20 से 25 दिन है, जल्दी आप जो अपने कॉलेजों का कार्यभार है उसको संभाल लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आपका जो कॉलेज का आवंटन है वो निरस्त करके वेटिंग लिस्ट वालों को मौका दे दिया जाएगा। ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे में चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक शिक्षिकाएं एक के भीतर संबंधित विद्यालयों में कार्यभार संभाल लें। और यहां पे देखिए जो है नवल किशोर जी के द्वारा कहा गया है कि TGT के चयनित अभ्यर्थियों की सूची विद्यालय एवं जिला आवंटन सहित संबंधित जिलों के DIOs को भेज दी गई है, और ऐसे में अभ्यर्थी आवंटित विद्यालय के जिले के DIOs कार्यालय से संपर्क करके आवंटित विद्यालय में कार्यभार संभाल लें। अब इसके बाद एक जो बड़ा सवाल आता है कि फिर इसके बाद वेटिंग लिस्ट वालों की ज्वाइनिंग जो है ये कब तक होगी, तो देखिए लगभग अभी आप सभी को एक महीने और भी इंतजार करना होगा जब इन सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद कितने अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं करते हैं उतने ही पदों पर यहां पे वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। अब इसके बाद एक जो बड़ा ब्लंडर आप सभी के मन में है कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है, तो देखिए सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफर क्या है कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं यहां पर बता दूं कि म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब यह होता है कि जैसा कि कुछ अभ्यर्थी होते हैं कि उनको 7-7, 8-800 किलोमीटर दूर कॉलेज आवंटन हो जाता है, कॉलेज मिल जाता है, तो जो है ऐसे की स्थिति में वो सभी तलाश करते रहते हैं कि हमारे तरफ ऐसा कोई अभ्यर्थी हो दूर का जिसे कॉलेज मिला हो, तो हम लोग एक दूसरे से यहाँ पे कॉलेज ट्रांसफर कर लें। लेकिन साथियों, ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं है चयन बोर्ड में, तो आप ऐसा करके अपनी ज्वाइनिंग से हाथ मत धो बैठना। जहाँ आप सभी का कॉलेज मिला है वहीं आप पहले ज्वाइन करिए। और एक खबर से और भी मैं आप सभी को सचेत कर दे रहा हूँ कि एक महिला अभ्यर्थी थी जिनका मेरे पास मैसेज आया था व्हाट्सअप में, और जो है उनका कहना था कि सर एक जो है प्रधानाध्यापक है जिनका कहना है कि आप हमें 55,000 रुपए दीजिए और हम आपका जो कॉलेज है आपके जिले में अलॉट करवा देंगे। तो देखिए आप किसी भी दलाल को पैसे मत दीजिएगा। जहां आप सभी का चयन बोर्ड की तरफ से कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है, पहले आपको कम से कम एक साल के लिए तो वहां पर ज्वाइन होना ही पड़ेगा, उसके पहले कोई भी यहाँ पे ट्रांसफर का जो व्यवस्था है वो नहीं है, तो आप किसी को पैसा बिल्कुल भी ना दीजिएगा, ये मेरी विनती है। इसके बाद साथियों, जो आप सभी का सबसे बड़ा सवाल है, TGT PET की नई भर्ती कब तक जारी की जाएगी, तो देखिए इसकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाती है, और उम्मीद है कि अगर आप सभी का दबाव इसी प्रकार बरकरार रहा तो बहुत जल्द जो इसकी प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए।